उत्तर प्रदेश में एसटीएफ को अपराध के खिलाफ जारी जंग में एक और कामयाबी मिली है। लंबे वक्त से फरार चल रहे खूंखार डकैत गौरी यादव को मुठभेड़ के दौरान मार गिराया गया है। दरअसल कुख्यात डकैत गौरी यादव ने बुंदेलखंड के जंगलों में पिछले 20 साल से दहशत का राज कायम किया हुआ था और उसके खिलाफ 60 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज थे। बता दें कि साल 2001 से गौरी डकैती सीख रहा था। ऐसे में कुख्यात डकैत गौरी ने साल 2005 में अपना अलग गैंग बनाकर वारदात को अंजाम देना शुरू किया। ददुआ व ठोकिया की मौत के बाद साल 2009 में बांदा पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, लेकिन बीते 2 साल बाद ही वो जमानत पर बाहर आ गया था। बता दें कि उत्तर प्रदेश में गौरी पर 5 लाख रुपए का इनाम था और मध्य प्रदेश सरकार ने उस पर अलग से 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। पिछले 6 महीनों से उसकी तलाश जारी थी। बीते शुक्रवार की रात उसका चित्रकूट जिले के बहिलपुरवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत मांडो भान के समीप जंगल में एसटीएफ की टीम से सामना हुआ। इस दौरान कई राउंड फायरिंग हुई। फायरिंग में गोली लगने से डकैत गौरी की मौत हो गई। एसटीएफ ने गौरी यादव के उत्तर प्रदेश में छिपे होने की सूचना पर तलाश शुरू की थी। इसके बाद एसटीएफ की टीम का सामना गौरी से हुआ। थाना क्षेत्र के माधव बांध के पास ये मुठभेड़ हुई। वहीं एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश के मुताबिक डकैत गौरी यादव के पास से AK-47 राइफल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक डकैत गौरी यादव का गैंग काफी कमजोर हो चुका था। उसके गैंग में ज्यादा सदस्य नहीं बचे थे।